क्वेश्चन नंबर 10. एक्चुअली दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड मेनी मेनी टाइम्स. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई मीन अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स एट अ रेट एफ थ्रू अ डिस्टेंस एस देन कंटिन्यूज एट कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी एंड देन डी एक्सेलरेट्स एट अ रेट एफ बाई टू टू कम टू रेस्ट. द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15 टाइम्स ऑफ एस. देन मतलब बेसिकली व्हाट यू शुड नो इज दिस. ये ग्राफ भी बहुत बार ड्रॉ हो चुका है. टाइम वेलोसिटी पहले एक्सेलरेशन हो रहा है. सो एक्सेलरेशन इज गिवन समथिंग लाइक दिस फॉर दिस. ओके टी टाइम मैं मान लेता हूं कि सम वैल्यू ऑफ टाइम टी वन डजंट मैटर. ओके सम वैल्यू ऑफ टाइम दिस इज एक्सेलरेशन एफ. उसके बाद अगले टी सेकेंड्स तक के लिए कॉन्स्टेंट स्पीड से गाड़ी मूव होता रहा. देन डी एक्सेलरेशन हुआ एंड डी एक्सेलरेशन इज बेसिकली एफ बाय टू. करेक्ट. पहले जब एक्सेलरेशन हो रहा था तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार वाज एस. मतलब ये एरिया अंडर द कर्व इज एस फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी वन. ओके करेक्ट गुड. देन टोटल डिस्टेंस इज 15s. पूरा मतलब दिस टोटल डिस्टेंस इज 15s टोटल तीनों का मिला के. तो मैं ऐसा करता हूं ना, वाई टू मेक इट कंफ्यूजिंग, आई विल कॉल इट एस ए वन ए टू ए थ्री. तो आपको ए वन दिया है एस, आपको ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री दिया है आपको 15s. ओके करेक्ट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट. दिस इज वॉट यू आर सपोज टू डू एंड I want that you do this question by yourself. क्योंकि मैंने already hint दे दी है आपको. So this is the hint. S plus A2 plus A3 equal to 15s. A2 और A3 आप कैसे निकालोगे? चलो बता ही देता हूं थोड़ा सा और. A2 देखो ये जो है ये maximum velocity है. तो A2 is maximum velocity into time for which the body is moving with this maximum velocity. उन्होंने बोला ना क्वेश्चन में T is the time for which the body moves with this constant velocity which is maximum also plus A3. How do you find out A3? It is again simple. It is 2s. Q2s? 2sq. क्योंकि deacceleration ये acceleration का half है. डीएक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन का हाफ है. तो डिस्टेंस कवर ट्वाइस होता है. वो कैसे? वो अभी आप सोचो. मैं आपको शॉर्टकट हिंट्स बता रहा हूं. अगर ए वन ये एस है तो ए थ्री ये टू एस होगा. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे एफ था और यहाँ पे डीएक्सेलरेशन एफ बाई टू है. तो डीएक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ एक्सेलरेशन. तो डिस्टेंस कवर्ड इज डबल्ड. हाँ ये आपको खुद को करना है. मतलब ओवरऑल मेरे पास क्या आया? वी मैक्स टी इज इक्वल टू 15 में से 3 गए 12s. करेक्ट. यहां तक तो मैंने लाके छोड़ दिया. अब वी मैक्स कैसे निकालते हो? अगर ये पता होगा हाउ डू यू फाइंड आउट वी मैक्स? हाउ डू फाइंड आउट वी मैक्स? पता होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके इफ यू नो दिस देन क्वेश्चन इज सॉल्व. v मतलब v max मतलब फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल तो जीरो से स्टार्ट होता था, जीरो. एक्सेलरेशन वाज एफ टी. राइट गुड. सो जो मैंने बताया है यहाँ पे हिंट दिया है आपको, सारा ये हिंट आपको खुद को ये सब
सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड आंसर फॉर योरसेल्फ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 4 हो चुके हैं हमारे, तो यू शुड नो हाउ टू डू इट. ओके, यू मस्ट डू इट. दिस मच विल हेल्प यू टू सॉल्व. तो इसको हम लोग बोलेंगे DIY, डू इट yourself, कंप्लीट इट yourself. A balloon rises from rest with a constant acceleration g/8. Balloon is going up, vertically up with an acceleration of g/8. A stone is released from it when it has risen to height h. तो जब हाइट h पे था वहां से एक स्टोन को रिलीज कर दिया. स्टोन विल कम डाउन. The time taken by the stone to reach the ground is option number B. क्यों हमने किया है सॉल्व? पहले सॉल्व करके रखा है, सिंपल है. हमको ये देखना है, देखो फ्रॉम रेस्ट, बलून ने कहां से स्टार्ट किया? रेस्ट से, राइट. बलून जब h हाइट पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2a इज g/8. वी ऑलरेडी नो s इज h, क्योंकि a दिया भी है g/8, आपको बोला है. तो बलून इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/8. तो v स्क्वायर इक्वल टू gh/4, मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gh/√4:2. मतलब एट हाइट h द वेलोसिटी ऑफ बलून इज अंडर रूट ऑफ gh/2. अब इसका हमको यूज करना है. क्यों? क्योंकि जब हमने देखो बलून कहां जा रहा है? ऊपर. स्टोन कहां आ रहा है? नीचे. करेक्ट. तो स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे आप? 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 कब होता है? जब एक बिल्डिंग से रेस्ट से हमने उसको ड्रॉप किया है. ड्रॉप किया क्या? नहीं. थ्रो किया क्या? नहीं. बलून ऊपर जा रहा है, हमने उसको रिलीज कर दिया. मतलब फॉर स्टोन इनिशियल वेलोसिटी यू विल बी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बलून एट हाइट h. Therefore, u is equal to negative of root of gh/2. Time taken by the stone to reach the ground. कैसे करेंगे? How do you find out time taken? You have to use equations of kinematics, of course. V is equal to u plus at, एक equation है. V square equal to u square plus twice a, second equation है. s equal to ut plus 1/2 at square, तीसरा इक्वेशन है. तो ये तीनों इक्वेशन आपको देखने हैं, कैसे करना है आपको सॉल्व. डेफिनेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर स्टोन, ये भी इक्वल टू g आएगा या g-8 आएगा, ये भी चेक करना है. एंड डूइंग ऑल दिस, सॉल्विंग ऑल दिस, यू शुड गेट ऑप्शन नंबर b. तो इतना हिंट काफी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, राइट. तो दिस इज अगेन DIY. मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, मैं ऐसा इंटेंशनली कर रहा हूं, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन अगर मैं 8-8, 10-10 लेते रहूंगा तो आपका प्रैक्टिस करूंगी. इट इज 2√h/g. वैसे We have done it already. हमने ऑलरेडी किया है, सिर्फ हमने वैल्यू फाइंड की थी, इन टर्म्स ऑफ एच एंड जी नहीं किया था, हमने वैल्यू फाइंड की थी. तो थोड़ा नोट्स भी देखोगे एंड यू विल डू इट एंड यू शुड गेट ऑप्शन नंबर बी. देखते समझ गया था क्वेश्चन, बट यू स्टिल हैव टू डू इट. ये भी हुआ है. ओके, अ पैराशूट
पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन. मतलब कि ये जो पैराशूटिस्ट था इसने एक प्लेन से जंप तो मार दिया 50 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, H1 50 मीटर तक इट इज फॉलिंग विदाउट फ्रिक्शन, मतलब पैराशूट ओपन नहीं किया है. ओके, 50 मीटर तक पैराशूट ओपन नहीं किया है. मैं बोल देता हूं कि ये ए पॉइंट है, लेट अस से दिस इज बी पॉइंट. व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डीएक्सेलरेट्स एट 2 meters per second square. He reaches ground. Let us say his height H2 with a speed of 3 meters per second. So point C बोल देता हूँ इसको मैं. Point C पे उसका speed है 3 meters per second. At what height did he bail out? मतलब आपको पूछा है what is the total height ground से. H1 मुझे पता है. If I know H2, I can find out what is the original height from which the parachutist bailed out. क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ. एरोप्लेन से पैराशूटिस्ट ने जंप मार दिया. इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, राइट? विदाउट फ्रिक्शन आया है. जब पैराशूट ओपन किया, कहाँ पे ओपन किया? बी पॉइंट पे ओपन किया. उसके बाद वो 2 meters per second square के डी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है. जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तो फाइनल स्पीड 3 हो जाएगी. व्हाट इज द टोटल हाइट ऐसा पूछा है. व्हाट वी कैन डू इज कैन वी फाइंड आउट व्हाट इज वेलोसिटी एट बी. यस, सो वेलोसिटी एट पॉइंट बी वीबी वी कैन फाइंड आउट यूजिंग वीबी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as. Right? Okay. So VB square initial is 0 to A. A will be G. क्योंकि gravity के वजह से नीचे आएगा. G की value 9.8. मैं लिख देता हूँ, एक से बढ़ा देता हूँ. 2GH1. So VB square is equal to 2 into 9.8 into 50. 52 is 100. 100 into 9.8. तो ये आ जाएगा आपका वी बी का स्क्वायर 100 into 9.8. ओके, तो दैट इज गोइंग टू बी 980. तो हमको वी बी स्क्वायर है, तो वी बी मिल गया अंडर रूट ऑफ 980. ओके, वी हैव दिस. एच टू कैसे फाइंड करेंगे? अगेन व्हाट वी नो इज अगेन वी स्क्वायर. मतलब मैं दो केस ही कर देता हूं. केस वन, ये एक काम करते हैं, वी विल स्प्लिट अप इट इनटू केसेस. तो ये है केस वन, ए टू बी. ये है केस टू, बी टू सी. तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मैं बी पे देखूंगा, फाइनल मैं सी पे ग्राउंड पे देखूंगा, प्लस 2as. डू वी नो वी सी? यस, 3 square. डू वी नो यूबी? यूबी हियर इज नथिंग बट वीबी. फाइनल वेलोसिटी ऑफ केस वन इज इक्वल टू इनिशियल ऑफ केस टू, मैंने बहुत बार बताया है. तो यूबी ऐसा आपको पता है व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी, बेसिकली दैट इज 980 क्योंकि स्क्वायर है. Plus 2. What is deacceleration after point B is 2. Deacceleration. D. ये D याद रखना है, ये D है. तो मतलब minus 2. और height तो H2 तो find करना है हमको. तो 9 equal to 980 minus 4H2. Correct? So 4H2
इज इक्वल टू 980 माइनस 9, करेक्ट। तो 4H2 इज इक्वल टू 971, तो H2 इज इक्वल टू 971 बाय 4, 971 बाय 4, 971 बाय 4, 4 टू जा एक बचा तो 16, 4 जा 3 जा अराउंड रफली ये आपका आएगा रफली 242 पॉइंट समथिंग फ्रैक्शन में। तो टू बी प्रिसाइज पॉइंट 7। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिखता हूं, इफ आई राइट इट अप्रोक्सीमेटली तो आई कैन राइट इट 243। अभी ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या हमको? जरूरत ही नहीं है। क्यों? लॉजिक क्या बोलता है कि टोटल हाइट जो है वो H1 प्लस H2 है। जब H2 ही आपका 243 आ गया तो फिर बी सी और डी ऑप्शन होगा कैसे? दैट इज लॉजिक, हो ही नहीं सकता है ना। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव एनीथिंग लेस देन 243। तो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 243। एक ही तो ऑप्शन है ग्रेटर देन 243। तो H1 50, H2 243, तो 293 ऑप्शन नंबर ए। इजी, हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। केस वन, केस टू, ए से बी नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन मतलब फ्री फॉल, यू हैव स्पीड और वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बी टू सी, सी पे पता है, बी पे पता है, डी एक्सेलरेशन पता है, एस मिल जाएगा, एस मिल गया तो टोटल मतलब एच टू मिल गया और एच वन पता है तो H1 प्लस H2 इज टोटल हाइट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी, मतलब एक को छोड़ के सारे रियलिस्टिक नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली रियलिस्टिक केस। क्यों? क्योंकि ए ग्राफ में अगर मैं यहां पे टाइम लेता हूं, ओके, तो एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 वेलोसिटी की एक, दो और तीन वैल्यू फॉर अ बॉडी, सेम बॉडी के लिए। ऐसा हो सकता है क्या? आप गाड़ी चला रहे हो, एक ही टाइम पे आपके गाड़ी के तीन वेलोसिटीज की वैल्यू है ना, 20 किलोमीटर पर आर, 50 किलोमीटर पर आर और 70 किलोमीटर पर आर एक ही टाइम पे। अनरियलिस्टिक, ये वापस, ये भी अनरियलिस्टिक फॉर द सेम रीजन, ये भी अनरियलिस्टिक एग्जैक्टली फॉर द सेम रीजन। एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एनी बॉडी कैन हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो ए सी और डी दीज आर अनरियलिस्टिक केसेस। ऑप्शन नंबर बी, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एस वी ग्राफ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज। किसको रिलेट करना है हमको? एस और v, v square equal to u square plus twice a s, let initial is, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इनिशियल से इनिशियली तो वेलोसिटी जीरो होगा, मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट भी मान लोगे तो फर्क नहीं पड़ता। यू कैन से, क्योंकि जीरो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट वैल्यू, ओके, तो यू कैन से u इज जीरो और अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो v square इज इक्वल टू 2as, मतलब v square is proportional to s, quadratic in nature। ऐसा कौन सा ग्राफ है? नहीं, प्रॉब्लम है ग्राफ प्लॉटिंग का, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम है
तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर दो उसको। कैसे करोगे? v की वैल्यू, s की वैल्यू, v की वैल्यू 0, s की वैल्यू 0, v की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1, v की वैल्यू 2, s की वैल्यू 4, क्योंकि s इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। करेक्ट, राइट। तो ऐसा आप जब प्लॉट करके देखते हो, वैसे भी ये एक्चुअली अगर आप लोगों को पैराबोला के ग्राफ अच्छे से पता होंगे, नहीं पता होंगे तो मॉड्यूल 1 जो तो मैंने नोट्स दिए हैं, पेज नंबर, पेज नंबर 18, बेसिक मैथमेटिक्स पहला ही चैप्टर, 18 पहला मॉड्यूल का 18 नंबर पेज, ये यहाँ पे ये ग्राफ मैंने दिए हुए है। इफ यू कैन सी, ये ग्राफ मैंने दिए हुए है, तो थोड़ा मॉड्यूल्स को खोल के देखो तो समझेगा कि ऑप्शन आएगा बी, द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस बिकॉज इट इज अ पैराबोला, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट, राइट। नहीं, क्योंकि ये बुक खोलने के बाद समझेगा आपको, या प्लॉट करने के बाद मैं तो बता ही रहा था प्लॉटिंग, तो प्लॉट भी करके देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आता है वो। आई वॉन्ट यू टू नो वॉट इज वाई इक्वल टू एम एक्स, आई वॉन्ट यू टू नो वॉट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आई वॉन्ट यू टू नो वॉट इज वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, आई वॉन्ट यू टू नो वॉट इज वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, आई वॉन्ट यू टू नो वॉट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आई वॉन्ट यू टू नो वॉट इज एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, आई वॉन्ट यू टू नो वॉट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आई वॉन्ट यू टू नो वॉट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कंपल्सरीली पता होना चाहिए। सारे के सारे ग्राफ मॉड्यूल में है, 18 नंबर पेज पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉल इज वर्टिकली थ्रोन अप विद वेलोसिटी ऑफ वी जीरो, इट रीचेस मैक्सिमम हाइट ऑफ एच। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट सुनते से हमको ये पता होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी इज जीरो एट मैक्सिमम हाइट। ओके, इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, मतलब पहले केस में s1 ये h था, दूसरे केस में s2 मतलब 3h होना चाहिए, देन द बॉल शुड बी थ्रोन विथ हाउ मच वेलोसिटी। ओके, तो पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है v0। व्हाट वी नो इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, व्हाट वी नो इज दिस इज जीरो, दिस इज यू स्क्वायर माइनस 2gh मैक्सिमम, माइनस क्यू, इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, देन व्हाट वी नो इज यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh मैक्स, सो व्हिच मींस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू h मैक्स सिंस 2g is constant, which means u2 by u1 whole square equal to h max 2, मतलब maximum height in second case upon maximum height in first case, correct, right? तो u2 by u1 which is v0 का square, maximum height in second case this is h max 2, और ये था आपका एच मैक्स 1, दैट इज 3h बाय h, कैंसल कैंसल, टेकिंग स्क्वायर रूट u2 बाय v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, देयरफॉर u2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ v0, ऑप्शन नंबर ए।
इतना सिंपल था, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है ये पता होना चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस पता होना चाहिए, दैट्स इट, इतना ही पता होना चाहिए। ओके, सिंपल क्वेश्चन। टू स्पीयर्स ऑफ सेम साइज, वन ऑफ मास 2 किलोग्राम, टू स्पीयर्स ऑफ सेम साइज। ओके, ये दो स्पीयर हो गए सेम साइज के, पहले का मास 2 किलोग्राम, दूसरे का मास 4 किलोग्राम, आर ड्रॉप simultaneously from the top of a minar, Kutub Minar, 72 meter ka height hai iska. When they are 1 meter above the ground, matlab ye maan lete hain ki this is 1 meter level, the two spheres will have same momentum, kinetic energy, potential energy, acceleration. Excellent joke. Why? Momentum, mass into velocity. मतलब वो मास पे डिपेंड करता है, मतलब मास अलग तो मोमेंटम अलग. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब मास पे डिपेंड करता है, मास अलग तो काइनेटिक एनर्जी अलग. पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, मतलब मास पर डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मास अलग तो पोटेंशियल एनर्जी अलग. एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. तो व्हाट सेम दे विल हैव इज द वैल्यू ऑफ जी, राइट? सो ओनली एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. ऑप्शन नंबर डी, सिंपल क्वेश्चन था. थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 m2 एंड m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ अलोंग थ्री डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ. रेस्ट से सेम पॉइंट से सिर्फ पाथ अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है बस. द स्पीड ऑफ दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स on reaching the ground will be in the ratio. What we know is v square equal to u square plus 2as. v square equal to 0. From rest bola hai? Yes. Niche kyu aayenge? Gravity ki wajah se. Main maan leta hu tino ne equal distance, kyunki height same hai. Same point matlab height same, okay? So same, so kya hai? Since u is 0 for all three objects, h is equal for all three objects, kyunki unhone bola hai they are released from the same point, therefore v is equal to under root of 2gh, right? Correct. Velocity, final velocity does not depend on mass. It is independent of mass. Therefore, V is same for all three objects since it is independent of mass. मतलब 1:1:1. सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, नथिंग. फाइनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. गुड. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय इट इन दिस थर्ड and second seconds of the motion. Initial velocity is 10 meter per second. What we know is distance traveled by the particle in nth second is initial velocity plus a by 2
2 times of n minus 1. This is the distance traveled in n second. Distance traveled in nth second. Ratio kiska pucha hai? Third to two. So you have been asked, what is S3 by S2? Correct? So, पहले तो S3 निकाल लेते हैं. S3 क्या आएगा? U मतलब 10 प्लस A की वैल्यू तो G आएगी और G की वैल्यू 10 दी हुई है. So here A is equal to G is equal to 10 meter per second square. तो 10 by 2, 2 times of N की वैल्यू 3 minus 1. That is 10 plus 5. 6 minus 1 is again 5. So 25 plus 10 is 35. Similarly, S2 is equal to 10 plus 10 by 2, 2 times of 2 minus 1, that is 10 plus 5 into 4 minus 1 is 3, 15 plus 10 is 25. So S3 by S2 is 35 by 25, that is 7:5. Hai kya? Option number B. 7:5. Simple tha. So distance traveled in n second ka formula pata hona chahiye tha. Last question of this chapter. A ball is thrown vertically upwards. Aur ye humne solve kiya hai already. Already ho gaya hamara ye. Which of the following plot represents the speed time graph of the ball during its flight if the air resistance is neglected? Option number C. Maine already bataya. Kyun? Jab ball upar jayega to velocity kam hota jayega, kam hota jayega, kam hota jayega. Phir jab niche aayega to velocity badhte jayega, right? Badhte jayega. Okay? But in negative direction. Okay? Right? But speed bola hai, speed, velocity nahi. If you remember na, thoda sa ye hota hai problem, students are like, okay, ye velocity, ye time, ball thrown upward, velocity becoming zero, maximum height pe, A point pe, velocity is zero. Ab niche aayega ball, velocity बढ़ते जाएगा. The same way जैसा velocity कम हुआ था वैसे ही बढ़ेगा. क्यों? On kinematics में only force is gravity. Gravity ऐसे नहीं, ऊपर जाते हो अलग behave करेगा, नीचे आते हो अलग behave करेगा, ऐसा तो नहीं होगा. ऊपर जाएगा तो minus g, नीचे आएगा तो plus g. मतलब velocity अगर हमने देखा था तो ये basically it was a straight line. पर वो velocity था ना. अभी speed है, speed है तो speed is magnitude of velocity. Flip. So if you talk about speed against time, if you talk about speed against time, ऐसा आएगा. सिर्फ ये नीचे की line इसको ऊपर करके रख दी क्योंकि speed है. Speed में direction हमको matter नहीं करता. Option number C. खत्म. So this marks the end of motion in 1D.